क्या पनौती शब्द पर छिड़ चुकी है राजनीतिक जंग? कांग्रेस सांसद के बाद शिवसेना सांसद ने किया विश्लेषण। राहुल गांधी के बाद संजय राउत ने बताया पनौती का मतलब। पनौती शब्द पूरे देश में होता है इस्तेमाल। हिंदुत्ववादियों को नहीं होनी चाहिए पनौती शब्द से नफरत। देश को 2014 में लगी पनौती 2024 में हो जाएगी खत्म। यूवीटी सांसद संजय राउत ने बीजेपी को दी नसीहत। आईसीसी वर्ल्ड कप भले ही खत्म हो गया है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए फाइनल मैच में भारतीय टीम को मिली हार के बाद से जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पनौती वाले बयान पर मचे सियासी घमासान के बीच शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि 2014 से इस देश को पनौती की पीड़ा शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा कि हम ये किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी को इसे दिल पर नहीं लेना चाहिए। पनौती शब्द पूरे देश में होता है इस्तेमाल। खासकर जो खुद को हिंदुत्ववादी समझते हैं उन्हें पनौती शब्द से नफरत नहीं होनी चाहिए। हिंदुत्व कोश में पनौती शब्द का बहुत महत्व है। आप बनारस जाइए और समझ लीजिए कि पनौती शब्द का मतलब क्या है, उसके बाद FIR दर्ज कराने की दिशा में काम कीजिए। संजय राउत ने कहा कि इस देश को 2014 से पनौती लगी है जो 2024 में खत्म हो जाएगी। उन्होंने पनौती के बारे में कहा कि शनि की 7:30 लगती है, उसके बाद पनौती लगती है, फिर छोटी पनौती लगती है। ये सब हिंदुत्व की संकल्पना है। जो लोग खुद को हिंदुत्ववादी मानते हैं उन्हें पनौती शब्द का विश्लेषण और अभ्यास करना चाहिए। पनौती शब्द पर अपना ज्ञान देते हुए संजय राउत ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर उनका इशारा बीजेपी के किसी नेता पर है तो उन्हें याद रखना चाहिए। इस साल 2014 में लोकसभा चुनाव शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था और केंद्र सरकार में उनके सांसद मंत्री भी बने थे। इसके बाद वह बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव भी लड़े, जिसमें बड़ी जीत दर्ज करने के बाद शिवसेना बीजेपी से मुख्यमंत्री पद को लेकर मतभेद होने के कारण अलग हो गई और कांग्रेस NCP के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी, लेकिन आपसी बगावत के बाद करीब 2.5 साल के बाद सरकार गिर गई। हालांकि पनौती शब्द पर लेकर जारी राजनीतिक घमासान के बीच चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस भी भेज दिया है और 2 दिनों के अंदर जवाब मांगा है, लेकिन सवाल ये है कि अब पनौती शब्द पर क्या देश की राजनीति में घमासान मचने वाला है? प्रदीप शर्मा, N24 न्यूज, मुंबई। देखिए, 2014 से इस देश को पनौती की पीड़ा शुरू हो गई है। ये किसी व्यक्ति के बारे में हम नहीं बोल रहे, और भारतीय जनता पक्ष ने ये दिल पर नहीं लेना चाहिए, बीजेपी ने। पनौती शब्द पूरे विश्व में और देश में इस्तेमाल किया जाता है, और ख़ास करके जो अपने आप को हिंदुत्ववादी समझते हैं उनको तो पनौती शब्द का इतना नफरत नहीं होनी चाहिए। अपने हिंदुत्व के कोश में पनौती शब्दों को बहुत महत्व है, आपको मालूम नहीं। आप नेपाल में जाइए, आप बनारस में जाइए, आप समझ लीजिए पनौती का अर्थ क्या है, और बाद में ये सब FIR वगैरह लॉन्च करने का काम कर लीजिए। इस देश को 2014 से पनौती लगी है, वो 2024 में पनौती ख़त्म हो जाएगी। कभी 7:30 लगती है, उसके बाद पनौती लगती है, फिर छोटी पनौती लगती है। ये सब हिंदुत्व की संकल्पना है। ये हमारे हिंदुत्ववादी जो लोग बैठे हैं, अपने आप को हिंदुत्ववादी मानते हैं, उसने पनौती का एक विश्लेषण और अभ्यास करना चाहिए।